हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारे पास दो स्मार्टफोन अंडर 15,000, वीवो T3X और मोटो G64। आज हम दोनों स्मार्टफोन में कंपैरिजन करेंगे, जानेंगे दोनों के फीचर्स के बारे में, क्या कुछ अच्छा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं डिज़ाइन के बारे में। दोनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लेके आते हैं। मोटो G64 के अंदर 192 ग्राम वेट दिया गया है और T3X के अंदर 199 ग्राम वेट दिया गया है। G64 के अंदर 33 वोल्ट चार्जर के साथ 6000 mAh बैटरी दी गई है और T3X के अंदर 6000 mAh बैटरी के साथ 44 वोल्ट चार्जर दिया गया है। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर साइड फिंगर सेंसर दिया गया है। और बात करें अगर हम डिस्प्ले क्लियरिटी की, तो वीवो T3X के अंदर 6.72 इंचेस के साथ में फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। और अगर हम बात करें G64 के अंदर तो इसके अंदर 6.5 इंचेस के साथ में फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। और इनके अंदर ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम इनकी कैमरा क्लियरिटी के बारे में। अगर हम बात करें इनके अंदर कैमरा क्वालिटी की, तो मोटो G64 के अंदर रियर कैमरा 50+8 MP का OIS कैमरा दिया गया है और T3X के अंदर रियर कैमरा 50+2 MP का दिया गया है। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 1080 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है, जो कि हम आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन की क्लियरिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी दी गई है। वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। दोनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी लेके आते हैं और ये कैमरा क्वालिटी के अंदर कुछ फीचर्स मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन के अंदर। और G64 के अंदर फ्रंट कैमरा 16 MP का दिया गया है और T3X के अंदर 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और अगर हम बात करें इनके अंदर प्रोसेसर की, तो वीवो T3X के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है और G64 के अंदर मीडिया टेक डायमेंसिटी 7025 से प्रोसेसर दिया गया है। और इनके अंदर वाटर डस्ट रेसिस्टेंस G64 के अंदर IP52 दी गई है और वीवो T3X के अंदर IP रेटिंग 64 दी गई है। और अगर हम बात करें इनके प्राइस के बारे में, तो G64 8 GB 128 GB 14,999 रुपये का है और वीवो T3X 6 GB 128 GB 14,999 रुपये का है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही स्मार्टफोन अंडर 15,000 काफ़ी अच्छे फीचर्स लेके आते हैं। आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।